खबर धमतरी जिले से है, जहां रेलवे की जमीन में अतिक्रमण किए जाने पर रेलवे विभाग द्वारा आज बुलडोजर चलाया गया। वहीं इस कार्रवाई से स्टेशन पारा में हड़कंप मच गया। बता दें कि छोटी रेल लाइन को ब्रॉड गेज में बदला गया है, जिसके बाद से बड़ी रेल लाइन को लेकर काम तेजी से आगे चल रहा है। वहीं धमतरी के स्टेशन पारा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के कारण से निर्माण कार्य धीमी गति से चल रही थी, जिसको देखते हुए रेलवे विभाग दल बल के साथ मौके पर पहुंची। इस दौरान रेलवे विभाग द्वारा स्टेशन पारा में करीब 10 मकान को तोड़ा गया। ऐसी स्थिति में अतिक्रमणकारियों का कहना है कि बारिश के मौसम में घर छीन जाने से उन्हें काफी परेशानी होगी। वहीं नगर निगम द्वारा उनके व्यवस्थापन को लेकर कोई पहल नहीं किया गया है, जिससे स्टेशन पारा के लोगों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। हम लोग तो पैदा नहीं हुए उससे पहले के हैं, अभी उम्र 30 साल है, लेकिन हमारे पिता जो जो लोग छोटे थे तब के, नोटिस तो 5-6 बार आ गए है। परेशानी तो हो रही है जी, सामान भी नहीं निकाल सकते, आप रास्ता देख सकते हैं, रास्ते ही खराब है तो कहाँ से निकाल पाएंगे सामान, अब कैसे करेंगे सर, किराए में जाएंगे, निगम से तो कुछ से वो नहीं हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं हुआ निगम से। वो तो सर कितने समय हो गए, 3 साल हो गए सुन रहे, सरकारी जमीन में रहे थे, सरकार मन तो रहे तो रहे, हम ट्रेन के दान कोई व्यवस्था भी नहीं है, वहाँ जाके हम रहते हैं, वहाँ लाइट नहीं है, पानी नहीं है, न लेटरिंग है, न बाथरूम, कुछ नहीं है। अभी हमें यहाँ 20-25 साल हो गए, गाली टोला कुछ की व्यवस्था नहीं है, कुछ की व्यवस्था नहीं, खाली हम वहाँ जाके रह रहे हैं, जिस सामान ले जाके मरा कुछ की व्यवस्था नहीं है, न पानी है, न बिजली है,